Hello friends, we create a channel for the preparation of the Vyapam and SSC examination. Firstly, we discuss about the syllabus of the Vyapam. हम सभी जानते हैं कि व्यापम का सिलेबस में नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल दो पोर्शन है. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द नॉन टेक्निकल पोर्शन. नॉन टेक्निकल में सात पोर्शन रहते हैं. पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिंदी, पांचवा साइंस, छठवां जीके और सातवां कंप्यूटर साइंस. तैयारी कैसी करनी है, किस पोर्शन को कितना पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा. कौन सी बुक प्रेफर करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्टली मैं आपको बुक बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज बुक बताता हूँ. उतनी बुक सफिशेंट रहेंगी जितनी मैं बताता हूँ. यदि आपको उससे ज़्यादा पढ़ना है और रखना है तो आप एक्स्ट्रा बुक भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी मैं बुक बताऊँगा उतनी बुकों में लगभग आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा. सो फर्स्टली बुक नेम ऑफ मैथ, स्टैंडर्ड बुक RS अग्रवाल. इस बुक में आपको लगभग सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका व्यापम का. इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा. आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. आप कंटिन्यू इस पर बने रहिए. इसके बाद रीजनिंग के लिए परफेक्ट, इंग्लिश के लिए आप एक गाइडर भी ले सकते हैं. गाइडर के साथ साथ आप कुछ पोर्शन में बताऊंगा आपको मीट जी की बुक से पढ़ना है एंड कुछ पोर्शन आपको ल्यूसेंट की बुक से पढ़ना है. हिंदी के लिए आपके ल्यूसेंट परफेक्ट है. यदि आप और डीप जाना चाहें तो इसकी एक घटना चक्र आती है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताती है सभी स्टेट के, वो भी आप ले सकते हैं. जीके के लिए आपको बस ओनली एमपी पढ़ना है एंड प्लस करंट पढ़ना है. इंडिया जीके नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका पोर्शन काफ़ी बड़ा रहता है और 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बाकी रिमेनिंग इस सब्जेक्ट. कंप्यूटर साइंस के लिए आपको एक तो लूसेंट पढ़ना है प्लस एक परीक्षा मंथन पढ़ना है. ये हिंदी मीडियम में आती है परीक्षा मंथन, इंग्लिश में भी आती है. आपको जो उचित लगे आप प्रिफर कर सकते हैं. सो दिस पोर्शन इज अ नॉन टेक्निकल पोर्शन. अब बात करते हैं आइए टेक्निकल पोर्शन की. टेक्निकल पोर्शन के जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो है सॉइल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, सॉम, इरिगेशन, इन्वायरमेंट, हाइड्रोलॉजी, हाईवे, RCC. अब इनमें भी ज़्यादा फोकस आप पर आपको किस पर करना है, सॉइल, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग. यदि आप व्यापम और SSC की तैयारी कर रहे हैं तो सॉम आल्सो इंक्लूडेड. RCC को आपको बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है. इन्वायरमेंट में 3 पोर्शन होते हैं, तीनों पोर्शन को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है. इरिगेशन हाइड्रोलॉजी को लाइटली पढ़ना है बट हाईवे को थोड़ा अच्छा पढ़ना है. मैं इन सब के लिए बुक भी बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव बुक भी बताऊँगा और थ्योरेटिकल बुक भी बताऊंगा. कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो सब भी बताऊंगा. सो ये आज का व्यापम का सिलेबस कंप्लीट हुआ. यदि आपको इतनी बुक कम लग रही हैं तो मैं एक्स्ट्रा बुक भी बता सकता हूँ. आप कमेंट कीजिए यदि किसी सब्जेक्ट में आपको बुक चाहिए. टेक्निकल बुक भी मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी बुक लेनी है, थ्योरी में कौन कौन सी बुक लेनी है, मैं सब बुक आपको बताऊंगा. ऑब्जेक्ट की 2-3 बुक आपको रखना ही है. एक SS भावी कट्टी रखेंगे आप, एक RS खुरमी रखेंगे,
आर अगोर भी रखेंगे और प्रीवियस ईयर के आईईएस के क्वेश्चन भी रखेंगे। जब ये ऑब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद कुछ नेक्स्ट बुक बताऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव। जब ये आप पढ़ लेंगे चारों, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इसके ऑब्जेक्टिव सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज, फिर इसके बाद मैं और बुक बताऊँगा। थ्योरी में आपको बस तीन बुक लेनी है तीन सब्जेक्ट की, एक तो बिल्डिंग मटेरियल रंग वाला ले लीजिए, एक सर्वेइंग बसक ले लीजिए, एक एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसके आप बी एन दत्ता ले लीजिए, बी एन दत्ता। बाकी आप सॉम की भी लेना चाहते हैं तो सॉम के लिए बुक थ्योरेटिकल की कोई आवश्यकता नहीं, यदि आपने पहले से अच्छा पढ़ा है, और यदि लेना है तो आरएस खुरमी भी आती है, वो भी आप रख सकते हैं थ्योरी के लिए। सो फ्रेंड्स, वी डिस्कस अबाउट बी लेटर। यदि आपको इस सिलेबस और आगे कंप्लीट करना है तो बताएं हमें, हम आपकी आगे तैयारी जारी रखेंगे। अभी बस हमने सिलेबस डिस्कस किया है, यदि हमारे लाइक कमेंट बढ़ते हैं तो हम ये सब्जेक्ट आगे भी डिस्कस